के दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए। प्रेम से बोलो जय माता दी। फ्रेंड्स, हमने आपको दिखाया है दंतिका टेम्पल, छिन्नमस्ता देवी गुफा वाली काली माता का मंदिर। और फ्रेंड्स, अब हम आपको लेकर आए हैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर। भूरादेव से कुछ पहले ही पड़ता है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। तो फ्रेंड्स, हम लौटते हुए माँ शाकुंभरी देवी से जा रहे हैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर। यह मंदिर अभी कुछ साल पहले ही बना है, पर मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें आने वाले सभी भक्तों की पूजन बहुत ही प्रेम भाव से पंडित जी कराते हैं, और चाहे कितने ही भक्त आ जाएं, सबकी पूजा अलग अलग होती है। तो फ्रेंड, इसी कारण से मंदिर बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच फेमस हो रहा है, और मंदिर में आने से सच में बहुत ही अच्छा लगता है। संकट मोचन हनुमान जी के इस मंदिर में आने से ही आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं। मंदिर में बहुत ही सुंदर हनुमान जी की और शिव दरबार बना हुआ है, और निर्माण कार्य अभी भी मंदिर में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको कराएंगे पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के दर्शन। बोलो बालाजी भगवान की जय। देखो, बहुत ही सुंदर है मंदिर, बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बहुत साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। मंदिर में धर्मशालाएं भी हैं, अगर आप रुकना चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं। फ्रेंड, अब हम आपको कराएंगे, दिखाएंगे मंदिर। फ्रेंड, यदि अब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड ज़रूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, पर हमेशा आपके लिए हम कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। फ्रेंड, आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव। हाँ, देखो फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत यहाँ पर ये बनी हुई है, मंदिर भी बहुत ही प्यारा है, और हम जब भी आते हैं माँ शाकुंभरी देवी तो इस मंदिर में ज़रूर आते हैं। यहाँ मंदिर से हमारा लगाव थोड़ा सा बढ़ गया है, हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। अंदर हो रही है आरती, हम अपना इंतजार कर रहे हैं। अष्ट सिद्धि नवन के दाता असवर दीन जानकी माता। ओम गण गणपते स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम अनुमते स्वाहा, ओम अंबालिके स्वाहा। सिद्धि हाथ में लेके जब छोड़ दिया भाई,
बोल सच्चे दरबार की जय। माया की हनुमान महाराज की जय। बालाजी का अनुकूल से नमस्कार कर लो हाथ जोड़कर संकट मोचक वीर हनुमान का अनुकूल है। से परिक्रमा कर लीजिए रुद्राक्ष पे। दीपक को देने फ्रेंड्स, हम रहते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में और सहारनपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर। माँ शाकुंभरी देवी 52 शक्तिपीठों में से एक देवी मानी जाती हैं। ये सबसे छोटी देवी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन करने आएँ तो ज़रूर आएँ पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में, क्योंकि यहाँ आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा आपके सारे संकट मिट गए हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पूजा कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो ज़रूर कर लें। आप देश की दुनिया के जिस भी कोने से हमारे ब्लॉग देखते हैं, वहीं पर मस्त रहें, स्वस्थ रहें फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे ब्लॉग देखते रहें। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।